नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजी भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। दोस्तों आज आपको बताऊंगा किसी भी महीने में किसी भी साल में अगर 25 तारीख को जन्म है तो इसका फल क्या होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा मैं जो वीडियो आपको फिर नोटिफिकेशन को चले जाएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना तो बिल्कुल फ्री है। चलिए सुबह शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों 25 एक नंबर आता है, नंबर दो जो मून को रिप्रेजेंट करता है, मून मतलब दोस्तों इमोशन। तो दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। पांच नंबर जो एक्टिव का होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा खोजी रहते हैं, खोजने के संदर्भ में रहते हैं, बातों नहीं होते, बात करना पसंद करते हैं, हमेशा मज़े में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब क्वालिटी आपके अंदर देखा जा सकते हैं। अब सात नंबर में अब दो और पाँच में सात नंबर आता है, सात नंबर जो केतु का होता है, मतलब दोस्तों आप लोग अब लोग जो भी करते हैं दोस्तों आपके फेस में दिखाई देता है। मतलब दोस्तों अगर आप गुस्सा है किसी बात को लेकर तो आपके चेहरे देख के समझ आएगा, अगर बहुत ज़्यादा खुश भी है तो चेहरे देख के समझ भी आएगा। ये बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो असली चेहरा है वो छुपा नहीं सकते। तो बहुत लोग आपके जो चाल है क्या आप खेलने वाले हैं अभी तो समझ लेते हैं। दूसरा आपके तो कहीं कि इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा बस आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लोगों को बोल देते हैं, मजाक मजाक में सही लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है। मजाक में आप बहुत ज़्यादा सीरियस बातें भी बोल देते हैं। आपको अपने बातों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स की लाइन में हो चाहे आप किसी भी ऐसे लाइन में हो, आपके बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी बातें सुनकर बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोग अपने लाइफ स्टाइल बदलने वाले होते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अपनी बातों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपने सुना होगा दोस्तों सात नंबर केतु का होता है, केतु शुराबे खेत। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपने जन्म स्थान से देखा गया है ज़्यादातर खेत जन्म स्थान से दूर जगह आपको सक्सेस मिलता है। इसका मतलब अगर आप जन्म स्थान पर हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी किसी कंपनी ऐसी किसी जगह से जुड़िए दोस्तों जिससे आपको फॉरेन गेन्स हो। दोस्तों चाहे किसी मल्टीमीडिया कंपनी इस तरह की चीज़ों में आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों सात नंबर इमोशन का होता है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अगर कोई आके राज करेगा तो आपको पसंद भी नहीं आएगा दोस्तों। और सात नंबर बहुत सोमे का नंबर भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई काम ऐसा जहाँ पर आपको अकेले रहना पड़ सकता है, अकेले रह के काम करना, जैसे दोस्तों रिसर्च का काम, जैसे दोस्तों यहाँ पर पेंटिंग इसका काम, लिखा काम, इस तरह के हर एक काम आप बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। दोस्तों देखा गया है ज़्यादातर केसों में ऑलमोस्ट 50 के आसपास जाके अपना घर अपने बना लेता है दोस्तों। अगर सही नंबर प्लेस हो तो आप अपना घर बना लेते हैं। अगर दोस्तों कॉन्टैक्ट आपका ड्राइवर कॉन्ट्रेक्टर और दोस्तों नेम नंबर सही रहे तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा गया है इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं और इसके साथ साथ लोगों को भी इंस्पायर करते आपकी तरह एक्ट करने के लिए, आपकी तरह बिहेवियर करने ऐसे चलने के लिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया नंबर होता है। आप लोग तो बहुत ज़्यादा शक करते हैं चीज़ को लेकर, मतलब आपके जो करीबी लोग हैं अगर उन्होंने 19 से 20 बोल दिया तो आप पकड़ लेते हैं दोस्तों क्योंकि आप ऐसे ही हैं दोस्तों। दिल के बहुत साफ होते हैं और जो भी कहते हैं सामने कहते हैं पीछे छुप छुप पर काम करना आपकी आदत में नहीं होता और जो भी होता है दोस्तों मुंह के ऊपर बोल देते हैं दोस्तों। देखा गया है आप लोग बहुत ज़्यादा खोजी होते हैं और बहुत इमोशन से डिपेंड होते हैं, इसलिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं दोस्तों। और आइडियाज़ को जब दोस्तों फेल होते हुए आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको यहाँ पर एंगर का कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपके बहुत सारी चीज़ों पहले ही समझ लेते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा घूमना फिरना खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, संगीत कला इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि होता है, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर होता है, तो इस तरह की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। बहुत लोगों के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी गया है। कभी कभी जब आप बिजनेस पे बिस्तर पे सोए हुए होते हैं बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, लेकिन जब एक्टिव की बारी आती है तो आपको कोई मुकाबले में हरा भी नहीं सकता दोस्तों। आपके लिए लकी नंबर रहता है दोस्तों कोई किसी महीने में 7 तारीख को 16 तारीख को 25 तारीख को 2 तारीख को 11 तारीख को 29 तारीख को 20 तारीख को जन्म है तो आपके लिए लकी रहता है दोस्तों। थोड़ा सा 8 नंबर से बच के रहने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कहने की ये आपके लिए थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने वाला बंदा है, ठीक है 8, 17 और यहाँ पर 26 तारीख वाले आप तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिसिप्लिन थोड़ा आलसी भी है थोड़ा एक्टिव भी है इस तरह के इंसान है दोस्तों। आप अपने रास्ता खुद चुनना पसंद करते हैं। तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी का नंबर होता है, बहुत स्ट्रिक नंबर, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए न्यूट्रल नंबर रहेगा दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर यहाँ पर 9 नंबर ऑलमोस्ट देखा जाए तो किसी भी नंबर के साथ आपके नंबर के शत्रुता नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों 8 नंबर थोड़ा सा होता है दोस्तों, इससे 8 नंबर से दूर रहे दोस्तों। कोशिश कीजिए दोस्तों साधु
जो भी उनकी मदद करने के लिए, तो कहें कि आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। मंगलवार को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों गणेश जी की पूजा करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप कोई भी ऐसा मूर्ति आप आइडल रख सकते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की, इस तरह के चीज़ों का आइडल रख सकते हैं, वहाँ पर जाकर दोस्तों ध्यान भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर आसानी से फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखते रहना।